एक ही कुर्ती मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ। एंड ये अभी आप समझ सकते हो 11 साल से चल रही है, तो अभी और भी चलने वाली है। जब ये बिल्कुल ये बोल देगी ना मैं मर चुकी हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं इसको तभी छोड़ने वाली हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सेम हियर, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपनी कुछ ऐसी कुर्तियाँ जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लुक के साथ में, और मेरा समर कलेक्शन तैयार हो जाता है। मेरी 10, 15, 20 जो भी कुर्तियाँ हैं, ऑब्वियसली इस वीडियो में नहीं आएंगी, तो मैं हाफ हाफ पार्ट करके बनाऊँगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैं आपके साथ में दिखाने जा रही हूँ अपनी वो कुर्तियाँ जो गाइज मैं बार बार रिपीट कर कर के पहनती हूँ, वो बिल्कुल न्यू लगती हैं एंड मेरा लुक भी बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। तो यस, आपके सामने सामने है मेरा समर कलेक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करूँ, उससे पहले वीडियो का लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको मेरी समर कलेक्शन। सो गाइज, सबसे पहले जो मैं आपके साथ में दिखा रही हूँ, ये एक बहुत सिंपल सा वाइट सूट है। मैंने एक अपना मेरठ व्लॉग आपके साथ में शेयर किया था, तो उसमें मैंने ये सूट दिखाया था आपको कि ये मैं मम्मा के लिए लाई थी। तो मम्मा ने वाइट कलर समझ के ये अवॉइड कर दिया कि उन्हें वाइट नहीं पहनना, और मेरा तो वाइट फेवरेट है। तो यस, ये मैंने ले लिया एंड गाइज लुक एट दैट आपके सामने। इसके साथ में मैंने बनाया बिल्कुल फ्रिल वाला खुला प्लाजो। इसमें मैंने छोटी सी फ्रिल इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए नीचे बॉटम पर लगवा दी है कुर्ती के, और सिंपल सी बस सिंपल कुर्ती बनाई है, बहुत ढीली डाली सी पहनने के लिए। एंड लुक एट द लुक। इसके साथ में एक बड़ा सा दुपट्टा, गाइस मैं आपको बता दूं तो बहुत जल्द, ये दुपट्टा मैं बहुत ज़्यादा पहनने वाली नहीं हूँ, इसकी भी मैं कुछ कुर्ती वगैरह बना लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे पहनती हूँ। एंड लुक एट दैट, हाउ क्यूट। एंड समर में ऐसे कपड़े पहनना अपने आप में बहुत कम्फर्टेबल लगता है। गाइस नेक्स्ट है ये वाली कुर्ती। ये वाली कुर्ती ना गाइस मेरी मल्टी होते हैं यूज़फुल कुर्ती है। इसको मैं वाइट सलवार के साथ पहनती हूँ, रेड सलवार के साथ पहनती हूँ, ब्लैक सलवार के साथ पहनती हूँ, जींस के साथ पहनती हूँ, और ब्लैक प्लाजो के साथ भी पहन लेती हूँ। तो जिस तरह का ओकेज़न होता है, जिस जगह मुझे जाना होता है, तो मैं इसे पहन लेती हूँ। एंड ये इतनी कमाल लगती है ना, सबको लगता है अगर मैं इसे जींस के साथ पहन के जाऊँगी तो बिल्कुल डिफरेंट लुक आता है, वाइट सलवार के साथ पहनती हूँ तो डिफरेंट लुक आता है, बिल्कुल पटियाला लुक आता है, और ब्लैक प्लाजो के साथ पहनती हूँ तो बिल्कुल लुक डिफरेंट आता है। तो एक ही कुर्ती है, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन बार बार डिफरेंट तरीके से पहनती हूँ, और बहुत क्लासी लगती है। ये वाली जो कुर्ती है ना, ये मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ पहनती हूँ, जैसे कि मैं इसे इसके ही पूरे पेयर के साथ पहन लेती हूँ, ब्लू के साथ ब्लू। ये अपने आप में एक पूरा लुक है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसके साथ में ही मैं इसे पहनती हूँ वाइट प्लाजो के साथ में भी, मैं इसे पहन लेती हूँ रेड प्लाजो के साथ में भी, मैं इसे पहन लेती हूँ वाइट लेगी के साथ में भी। तो एक ही कुर्ती है, लेकिन बार बार डिफरेंट डिफरेंट पहन लेती हूँ। जैसे कभी मैं इसे लेगी के साथ पहनती हूँ तो वाइट लेगी पहनी, ये कुर्ती पहनी, साथ में वाइट दुपट्टा लिया एंड बिल्कुल नया लुक तैयार हो गया। इसे मैं इसके ऑल ओवर लुक के साथ पहन लेती हूँ, ऑल ओवर वाइट प्लाजो के साथ पहन लेती हूँ। तो एक ही कुर्ती को मैं इतने सारे स्टाइल के साथ पहनती हूँ। जब भी मैं इसे रेड लेगी के साथ में पहनती हूँ, रेड दुपट्टा ले लेती हूँ एंड जस्ट ये बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है। तो सिंपल वन सूट, और मैं इसे इतनी बार रिपीट कर करके पहनती हूँ कि हर बार एक नया लुक मुझे देता है। गाइस ये मेरी ब्लू वाली कुर्ती है, इस पर मैंने ये फ्रिल वाली स्लीव्स लगवाई हुई हैं। ये मैं पिंक वाले प्लाजो के साथ पहनती हूँ, ब्लैक वाले प्लाजो के साथ पहनती हूँ, ब्लैक लेगी के साथ पहनती हूँ। एक ही कुर्ती है, लेकिन हर बार न्यू स्टाइल से पहनती हूँ। एक कुर्ती ही देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बार मैं ऑलरेडी इसे पहन चुकी हूँ, कितनी बार मैं इसकी स्टाइल चेंज करती हूँ, और अभी भी ये जब मुझे कभी कोई देखता है कहता नहीं बनवाई है क्या क्योंकि एक ही कुर्ती को मैं बार बार डिफरेंट 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 तरीके से पहनती रहती हूँ। ये नेक्स्ट गाइज वाइट कुर्ती, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की ज़रूरत है। वाइट ओवल ओवर होता है, वाइट तो ऐसा कलर होता है जो आप पता नहीं कितने कलर के साथ यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे आपको दिखाऊं बताऊं इसका कोई सेंस बनता नहीं है। मेरी ये वाइट कुर्ती है, मैं ब्लैक, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ऑल ओवर वाइट, येलो, मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ इसे पहनती हूँ गाइस। तो मुझे नहीं लगता मुझे बता के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ। वाइट कुर्ती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैच करती हूँ, सिंपल। नेक्स्ट गाइस ये मेरी मल्टी कलर कुर्ती। ये भी एक ऐसी कुर्ती है ना
कि ये आप जितनी बार चाहो इसके इतने सारे लुक बना लेती हूँ मैं कि ये हर बार हर कलर के साथ में इसे मैच करती हूँ एंड ये हर बार मुझे एक नया लुक देती है। तो यस, मुझे इसके बारे में भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। सिंपल, आप कभी से दुपट्टे के साथ, कभी विदाउट दुपट्टा, कभी रेड के साथ, कभी ब्लू के साथ, कभी पिंक के साथ, कभी वाइट के साथ, कभी ब्लैक के साथ, जितने कलर हैं भाई सभी के साथ मैच कर लेती हूँ एंड ये सब चीज़ के साथ हिट करती है। गाइस, ऑल ओवर ब्लैक, इसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत है। आप ब्लैक कुर्ती को आप कितनी बार कितनी चीज़ों के साथ पहनोगे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आप अपनी ब्लैक कुर्ती को वाइट के साथ पहन लो, रेड के साथ पहन लो, ब्लू के साथ पहन लो, ग्रीन के साथ पहन लो, ऑरेंज के साथ पहन लो, ब्लैक के साथ। आपको भी पता है मैं सेम वही करती हूँ। इस ब्लैक कुर्ती को हर बार किसी नए 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 डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ पहनती जाती हूँ एंड ये हमेशा ही फिट करता है। नेक्स्ट गाइज, ये आपको सच में बताऊँ ना, ये कुर्ती मेरी अराउंड कुछ ज़्यादा नहीं तो कोई 10 से 11 साल पुरानी कुर्ती है गाइज। ये मैं इसे वाइट के साथ पहनती हूँ, वाइट प्लाजो, वाइट सलवार। मैं इसे रेड सलवार के साथ पहनती हूँ, इनफैक्ट मैं इसे ग्रीन सलवार के साथ पहनती हूँ। इस कुर्ती को मैं बार 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 न्यू स्टाइल दे दे के पहनती रहती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। ये हमेशा मुझे एक डिफरेंट लुक देती है। एक ही कुर्ती मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ एंड ये अभी आप समझ सकते हो 11 साल से चल रही है तो अभी और भी चलने वाली है। गाइस, ये मेरी रेड कुर्ती, ये वाली कुर्ती ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट कुर्ती है। फर्स्ट एंड बोल तो इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसको मैं इस वाइट सलवार के साथ स्टाइल करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम। इसके अलावा मैं इसे पहनती हूँ रेड सलवार के साथ, रेड ऑल ओवर लुक मुझे करना होता है। मैं इसे पहनती हूँ ब्लैक प्लाजो के साथ में। जितनी मुझे पिक्स वगैरह अवेलेबल हो पा रही है वीडियो में दिखा रही हूँ, जिनकी नहीं है तो गाइज आप मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा और आप अपने आप में सोच के देखिएगा कि उनके साथ भी कैसी होती, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता ना कि आप हमेशा वीडियो या फोटो ही क्लिक करते रहते हैं जब भी आप कुछ भी पहनते हैं। तो यस, मैं ऐसे भी इसको पिक्स। गाइज, ये है ब्लैक, ये ऑल ओवर ब्लैक है। मैंने हमेशा, आज तक सच बताऊँ तो इसको ऐसे ही पहना है। मैंने अभी तक इसे किसी के साथ भी मैच नहीं किया हुआ है, लेकिन ये अपने आप में ऐसे भी सिंपली बहुत अच्छा लगता है। बट मैं इन्हें डिफरेंट भी पहन सकती हूँ। मैं इस प्लाजो को खाली ओनली वाइट के साथ मैच कर सकती हूँ, मैं इसे ब्लैक के साथ भी मैच कर सकती हूँ और मैं इसे रेड के साथ भी मैच कर सकती हूँ कुर्ती के साथ में, सिंपल प्लाजो। ऐसे ही सिंपली मैं इस कुर्ती को भी ब्लैक, वाइट, रेड प्लाजोस के साथ में मैच करके डिफरेंट लुक दे सकती हूँ। जैसे जैसे मैं करूँगी ऑब्वियसली आपको दिखा दूँगी। तो गाइज नेक्स्ट, वैसे तो अभी बहुत सारे बचे हुए हैं जो कि आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, लेकिन अभी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। गाइज, ये वाली जो ड्रेस है ना, मैं इसे ऑल ओवर ऐसे पहनती हूँ। इसके अलावा मैं इसे वाइट प्लाजो के साथ पहन लेती हूँ और मैं इसे वाइट स्कर्ट के साथ में भी पहन लेती हूँ। दोनों में ये बहुत स्मार्ट लगती है, अपने आप में इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जब भी मुझे इसे किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना होता है ना, तो मैं इसे वाइट सलवार उसके स्कर्ट के साथ पहनती हूँ और दुपट्टा ले लेती हूँ। ये बहुत स्मार्ट लगती है। इसके अलावा जब मुझे इसे घर में पहनना होता है तो मैं इसे इसी के प्लाजो के साथ पहनती हूँ। कभी कभी मैं इसे वाइट लेगी के साथ पहन लेती हूँ और वाइट दुपट्टा ले लेती हूँ। ये अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी ये सिंपल ड्रेस ही, मैं इसे बार बार रिपीट करके पहनती रहती हूँ। तो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एक चैनल और है प्रिया कौशिक 2, जहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, अच्छा कंटेंट डालती हूँ, तो आप वहाँ पे भी विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।